Hello friends, myself Dr. Amit Prajapati. I am a critical care specialist at Selby Hospital. जो अभी नया variant आया है COVID का, उसके बारे में हम आज discuss करेंगे. उसका नाम है Omicron, जो COVID का ही variant है. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये एक network of genomic surveillance है of South Africa. उन्होंने WHO को 24 नवंबर को इन्फॉर्म किया था दिस वेरिएंट के बारे में. ये वेरिएंट इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें बहुत सारे म्यूटेशन हुए. जो डेटा वेरिएंट था लास्ट, उसमें बहुत सारे वेरिएंट म्यूटेशन होके ही वेरिएंट बना है. उसके बाद WHO ने भी सबको इन्फॉर्म किया है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है. उसका कारण मल्टीपल है कि एक तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन हुए हैं. जैसे पहले अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट थे, उनमें से म्यूटेशन होके ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट बना है. तो उसमें ऐसे म्यूटेशन भी है जो अल्फा और डेल्टा वेरिएंट में भी थे, और ऐसे म्यूटेशन भी हुए कि जो अभी तक अननोन थे. तो इसीलिए उन्होंने कंसर्न ऑफ वेरिएंट का डिक्लेरेशन दिया है WHO की साइड से. दो तीन चेंज हुई है और पता चली है अब तक. एक तो इन्फेक्टिविटी मीन्स ट्रांसमिसिबिलिटी, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट. ओमाइक्रॉन वेरिएंट में वो ज़्यादा है. मगर एक बात मैं और बता दूँ कि इसके घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है. बिकॉज ऑफ मोर्टालिटी मीन्स उससे जो सीरियस कंडीशन होती है पेशेंट में, जैसे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट में अभी तक पाया नहीं गया है. तो एक बात अच्छी है कि उससे सीरियस कंडीशन डेवलप नहीं हो रही है. मगर कंसर्न वो है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है. ओमाइक्रॉन वेरिएंट जिससे इन्फेक्शन जो हो रहा है, उसमें ऐसे कोई अनयूजुअल सिम्टम्स अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए. जैसे डेल्टा वेरिएंट में थे कि फीवर, शॉर थ्रॉट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. सो द वही सेम सिम्टम्स ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट में पाए गए हैं. ऐसे कोई अनयूजुअल अदर सिम्टम्स अभी तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट में नहीं पाए गए, तो वो एक अच्छी बात है. दूसरी, हम डायग्नोसिस की बात करें तो द सेम प्रोसीजर है. RT-PCR से ही हम ओमाइक्रॉन डायग्नोस करना है. मगर उसमें अभी भी एक क्वेरी है कि वो सब में पकड़ पाएगा कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो क्वेरी. अनदर थिंग इज़ दैट द वैक्सीन वर्क करेगी कि नहीं, मगर वो भी फैक्ट अभी रिवील करने बाकी है. एक बात है कि जो हम पहले केयर कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट में, वही केयर हमें अभी कंटिन्यू करनी है. कि तीन चीज़ है, एक तो मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और रेगुलर वॉश हैंड करना है. ये तीन चीज़ तो हमें कंटिन्यू रखनी है अगेंस्ट ओमाइक्रॉन. वैक्सीनेशन तो करवाना ही है. भले आपने वैक्सीनेशन ले ली है, तो भी ये तीन रूल है जो वो फॉलो ही करने, तो वो हम फॉलो करेंगे तो हम जैसे डेल्टा वेरिएंट से लड़ पाए, ऐसे ही हम ओमाइक्रॉन वेरिएंट से भी लड़ पाएंगे. तो इसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. जो हम बेसिक स्टेप्स ले रहे थे, वही हमें कंटिन्यू करने हैं. थैंक यू.